Find the area of the bounded region by the curves y is equal to x square plus 1, y is equal to x plus 1, x is equal to 0, x is equal to 2 and x axis. तो equation of curves हमारे पास ये हैं, ठीक है? आप इसको देखें, x square ये इधर आ जाएगा, x minus 1 is equal to x square is an upward parabola, is an upward parabola with vertex, इसका vertex आ गया 0, 1, ठीक है? और y is equal to x plus 1 is a line पासिंग थ्रू, आप इसको दो पॉइंट सेलेक्ट कर लें, अगर मैं यहाँ पर x 0 लेता हूँ तो y की वैल्यू 1 आ गई, ठीक है? एंड अब y 0 ले लेते हैं तो x इज इक्वल टू -1, -1, 0 इसमें से पास होती है, x इज इक्वल टू 0 ये आएगा, ये y एक्सिस इटसेल्फ होता है, x इज इक्वल टू 2 ये पैरेलल टू वाई एक्सिस, तो इसका ग्राफ है जो आप इस तरह से ड्रा कर सकते हैं, ठीक है? इसका वर्टेक्स 0, 1 सपोज करो यहाँ है, मैं ये लो भाई नोट कर लें आप इसको, ये 0, 1 पॉइंट है और ये लाइन है जो 0, 1 में से पास होती है और -1, 0 में से पास होती है, ये 0 है ओरिजिन है, -1, 0, -1, 0 और ये 0, 1 इसमें से पास होती हुई आगे जाती है ये, ठीक है? चलिए ये आ गया, और अब नोट करें ये आ गया y इज इक्वल टू x प्लस 1, ओके, x इज इक्वल टू 0 ये y एक्सिस इटसेल्फ आ गया, और x इज इक्वल टू 2 तो x इज इक्वल टू 2 ये आ गया, आप देख रही हैं जो एरिया बाउंड हुआ है, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालो आप पैराबोला और लाइन का, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ठीक है? तो आप नोट करें ये लाइन है और ये वाई की वैल्यू मैं यहाँ पुट कर देता हूँ, इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ठीक है ना? ये एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1, वाई की जगह पुट किया मैंने, 1 कैंसिल, और इधर लेके एक्स, एक्स माइनस 1 और इक्वल टू 0, एक्स इज इक्वल टू 0 और एक्स इज इक्वल टू 1, ये 0 है यहाँ पर, ठीक है कि नहीं? 1 आ जाएगा, यानी कि एक्स इज इक्वल टू 1 है, ये पॉइंट आ गया एक्स इज इक्वल टू 1, वाई की वैल्यू निकालनी है तो 2 आ जाएगा, वाई इज इक्वल टू ये इम्प्लाइज 1 प्लस 1, यानी कि 2 आ गया, 1, 2 है ये, 1, 2, और यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रा करें और नोट करें ये एरिया बाउंड हुआ है, आप नोट करें ये कर्व, ये ऑर्डिनेट्स, ये 1 आ गया, ठीक है नहीं? ये 2 है, तो इसका मतलब ये एरिया और ये एरिया रिक्वायर्ड एरिया होगा, ओके? नोट करें ये दो एरिया के बराबर होगा, ये कर्व अलग है, ये लाइन कर्व बन गई, रिक्वायर्ड एरिया, रिक्वायर्ड एरिया 0 to 1 लिमिट एक्स एक्सिस पर 0 to 1, और ये ऊपर इसके पैराबोला है, तो वाई ऑफ पैराबोला, और वो है हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 1 ये डी एक्स प्लस, ये ऐड होगा क्योंकि ये एरिया प्लस ये एरिया, यानी कि 1, 2, 2 एक्स एक्सिस के बीच ऑर्डिनेट के बीच और लाइन है वाई ऑफ लाइन, रो है एक्स प्लस 1
और ये डी एक्स। ठीक, अब इसको सोल्व करेंगे तो ये एक्स क्यूब इंटीग्रेट कर रहे हैं हम प्लस एक्स, ये बाई थ्री तो लिखना था, एक्स क्यूब बाई थ्री ये एक्स, 0 to 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस एक्स, ये भी 1 से 2 तक है इसकी लिमिट, इसमें पुट करें 1/3 प्लस 1, ठीक है, माइनस दोनों के 0 बन गया, प्लस ये 2 पुट करें 4/2 प्लस 2, ओके, माइनस 1/2 प्लस 1। अब इसको नोट करेंगे हम तो ये बन जाएगा 4/3 प्लस ये काट दीजिए 2, यानी कि 4 माइनस 3/2, ये इतना आ गया हमारे पास। ठीक है, इन दोनों को सोल्व करेंगे तो एलसीएम 6 आ गया, 3 में से 8 प्लस ये 6 चौके 24 माइनस 9, 32 में से आपने 9 माइनस करने हैं, 23/6 स्क्वायर यूनिट आंसर आ गया। ओके, आप इसको नोट करें, ये आंसर आ गया है, ठीक है कि नहीं। इस क्वेश्चन की जो स्टेटमेंट ये दी हुई है ये इस तरह से भी आ सकती थी, इसको हम ये लिख सकते थे फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन, ठीक है ना, फाइंड द एरिया ऑफ रीजन, नोट करें आप, इस टाइप से बन सकते थे, दे सेट ऑफ ऑल ऑर्डर पेयर एक्स वाई, ये फंक्शन इस टाइप से आ सकता है, सच दैट 0 < y, ठीक है, < or = एक्स स्क्वायर प्लस 1 कोमा, और यहाँ पर 0 < or = y > or = एक्स प्लस 1 कोमा 0 > एक्स > or = 2। ओके, तो ये स्टेटमेंट है जो ये भी आ सकती है, फाइंड द रीजन, ऊपर का क्वेश्चन वही है, इसके पहले आप इक्वेशन लिखेंगे जैसे मैंने पहले ऑलरेडी लिखी हुई है, और फिर आप देखिए वाई की वैल्यू इनके बीच में लाई करती है और एक्स की वैल्यू 0 और 2 के बीच में ही है, तो ये अगर स्टेटमेंट इस तरह से आ गई तब भी ये क्वेश्चन आपने ऐसे ही करना है, ये दो रीजन में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके,